होली के त्योहार को देखते हुए बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने आगरा में मौजूद खोया मंडी में छापेमारी के अभियान को अंजाम दिया। वहीं इस अभियान के दौरान विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ने छापेमारी के दौरान 7 नमूने जमा किए, जिसके बाद इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। छापेमारी से मंडी में अफरा तफरी मच गई, मिलावटखोरों में भगदड़ मच गई। होली से पहले टीम मिलावटखोरों के खिलाफ सक्रिय है। अधिकारियों ने साफ कहा कि जांच में नमूने फेल निकले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहारों पर मिठाइयों की बिक्री तेजी से इजाफा होता है और इस तेजी का फायदा मिलावटखोर भी उठाने लगते हैं, इसीलिए बाजार में होली से पहले ही नकली खोया की आपूर्ति जानकारी भी सामने आती है। नहीं, होती रहती है। हाँ, होती रहती है। ये 4-5 दुकानों के नमूने लिए गए हैं। आप अभी तक तो नहीं बढ़ रही है, कोई बढ़िया खुआ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीम आती रहती है। नहीं, यहीं का व्यापारी आता है, बाहर का कोई नहीं आता है। नहीं, रूटीन चेकिंग कोई नहीं होती, त्योहारों पर ही होती है। त्योहारों पर खोए की मांग ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये लोग आते हैं। कहने ये लगता है कि मिलावट विलावट कोई होती है खोए में। अब मिलावट विलावट तो ये है कि कुछ नहीं होती है, पर मतलब ये है कि कुछ लोग जो बाहर से आते हैं मंडी से, वो कल आते हैं मंडी, उसमें बदनाम होती है। ऐसी तो कोई बात है नहीं, पर त्योहार पर ये लोग जरूर आते हैं। नहीं, बाहर के तो आते ही हैं, बाहर के ही सब काम दे आते के आते हैं। यहाँ का तो कोई यही नहीं, सब काम दे आते के किसान लोग जो आते हैं, खुआ लेके आते हैं। इसी के मद्देनजर खाद्य विभाग के जिला खाद्य अधिकारी अमित औषधि विभाग के साथ संयुक्त रूप से खोया मंडी पहुँच गए। छापेमारी की जानकारी मिलते ही मंडी में स्थित व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दस 12 लोगों के नमूने लिए गए हैं। नहीं, मिलावट का खोया यहाँ बिकने ही नहीं देते मंडी में हम। ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है साहब, बीच में क्यों नहीं करते हैं, त्योहारों पे क्यों करते हैं, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। हम 3 साल से व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे, पहले आया था, परंतु अब बहुत सुधार हो रहा है, प्रशासन बढ़िया है, मतलब सैंपल लिए, कार्रवाई पर डे हो रही है, और 10-12 दुकान के नमूने लिए गए। नहीं, रूटीन तो नहीं है, परंतु हर बार होता है और कंप्लेंट के आधार पर फिर कार्रवाई होती है। टीम ने मंडी में करीब 7 प्रतिष्ठानों से नमूने लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जिला खाद्य अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि होली से पहले खोया मंडी में छापेमारी की गई है, जिसके तहत 7 नमूने लिए गए। नमूने अगर फेल निकलते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुन न्यूज़ के लिए NL चौधरी की रिपोर्ट।